I am Ashubhishan, teaching maths of class 7th year candidates. I was talking about exercise 2B. मैं exercise 2B की बात कर रहा था. आज भी मैं उसी exercise की बात कर रहा हूँ. इसमें condition आपको 4th की condition बताने जा रहा हूँ. 4th का first part देखिए. कहा है 3 whole 1 upon 2 upon 5 whole 1 upon 7. इस question को आपको solve करना है. तो उसको solve करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों 3 2 जा 6 6 वन सेवन अपॉन टू हो गया सेवन फाइव से 35 वन 36 अपॉन सेवन हो गया. अब आपको पता है बेटा ऊपर फ्रैक्शन आपको सेवन अपॉन टू दिया है, जब नीचे वाला फ्रैक्शन ऊपर जाता है तो रेसिप्रोकल हो जाते हैं, यानी उल्टा हो जाता है. तो ये हो जाएगा 7/36. ओके अब यहां से फाइनली न्यूमरेटर न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई 7/49 और 36/72. तो इस तरीके से आपका आंसर होगा. सेकंड क्वेश्चन इसमें आपको दिया है, फोर्थ का सेकंड देखिए. कह रहा है 1 whole 1/3 प्लस 3 whole 1/4 अपॉन 5 whole 2/7 प्लस 3/7. ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है. तो इसको सॉल्व करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों पहले इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें. 3 1 3 4/3 हो गया प्लस 4 3 12 1 13/4 हो गया अपॉन 7 5 35 2 37 हो गया और प्लस 3/7. ठीक है प्यारे बच्चों. अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो ऊपर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा. एलसीएम हो गया 12 3 4 4 4 16 4 3 13 3 39. अब नीचे देखिए डिनोमिनेटर इक्वल है तो डायरेक्ट ऐड कर दें 37/3 40/7. तो ये हो जाएगा, ध्यान दीजिए 39 45 55 हो गया ये अपॉन 12 और नीचे वाला फ्रैक्शन ऊपर जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा 7/40 हो जाएगा. अब ध्यान दीजिए 5 से काटे 11 5 8 जा आप कोई वैल्यू कटेगी नहीं इसलिए 11 7 जा 77 अपॉन 12 8 जा 96 आंसर हो गया. तो इस तरीके से आपको 2B एक्सरसाइज के 4th पार्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. बाकी कंडीशंस को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.